अगर आप एक हेल्दी खाने की शौकीन हैं और बनना चाहते हैं एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, तो आज अर्चना शर्मा जी, डॉक्टर अर्चना शर्मा जी लेकर आई हैं आपके लिए एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट बनने के कुछ आसान से टिप्स। देखिए, न्यूट्रिशनिस्ट जो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देते हैं, जिन जो खान पान से संबंधित हमारी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको न्यूट्रिशनिस्ट कहा जाता है। हम शॉर्ट में कह सकते हैं खाने पीने के डॉक्टर होते हैं। इसके लिए ऐसा है, डिग्री कोर्सेज हैं हिंदुस्तान में, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें प्रॉपर 2 साल का MSc न्यूट्रिशन का, डाइटेटिक्स का, फूड्स एंड न्यूट्रिशन का कोर्स होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, लेकिन जनरली ये 2 साल के होते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सभी जगह है, बड़ौदा में, पंतनगर, बॉम्बे, दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी भी ये डिग्री कोर्स कराती है। जॉब देखिए, इसमें कई तरह के फील्ड हैं, ये मेडिकल से रिलेटेड काम है। तो जितने भी डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, आजकल सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस होती हैं, और जितने भी बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे, और जिम में, सभी जिम्स में आजकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस होती हैं। बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स हैं, स्लिमिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे ये काम करती हैं, और बहुत सारी दवाइयों की कंपनीज हैं जो कि इस तरह का एम्प्लॉयमेंट देती हैं। इसके अलावा जो होटल इंडस्ट्री है उसमें भी, जो फूड इंडस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी वाली, जो फूड प्रिजर्वेशन वाली, जितनी भी आजकल जो सप्लीमेंट्स बनाती हैं कंपनीज़, वो भी इनको एम्प्लॉय करती हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो अपना खुद का पैशन ही ज़रूरी है। आप अगर हम मेडिकल से जुड़े किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे खुद में एक आदर भाव और एक समाज के प्रति हमारे को कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि ये काम इस तरह का है जहाँ हम लोगों की भलाई और लोगों के हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमारी सोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं और जिनमें ये क्षमता है कि वो बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर सकें और दिन रात अपना एक करके काम कर सकें, तो वो इस लाइन में। देखिए, सैलरी जो है अलग अलग डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में किसी डॉक्टर के साथ हैं, किसी होटल इंडस्ट्री में हैं, या किसी फार्मा कंपनी के साथ हैं, तो उनके अलग अलग लेवल होता है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। ज़्यादातर इसमें लड़कियाँ ये डिग्री कोर्स करती हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा सफिशिएंट उनको स्टार्टिंग मिल जाती है। देखिए, एक तो आपको हमेशा अपनी जो स्किल्स हैं और जो नॉलेज है उसे बढ़ाते रहने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि इसमें रोज़ नए नए रिसर्च हो रही है, रोज़ नया ऐड होता जा रहा है, तो हमें हमेशा अपने आप को पढ़ के और अप टू डेट रखने की ज़रूरत है। सिर्फ नेट के थ्रू ही नहीं, और जितने जितने बड़े बड़े जर्नल्स आते हैं और उनके थ्रू हम जो एक्चुअल एजुकेशन है उसको हम अपनी अपने आप को साउंड रखें, अपने आप को अप टू डेट रखें, और लगातार ये फील्ड ऐसा है जितना हम काम करते जाते हैं उतनी ज़्यादा हमारी समझ बढ़ती जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी, आप शुरू कहीं से भी करें, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास होता है कि कुछ दिन काम करके आप अपना सेंटर भी खोल सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, आप प्रोफेशनली डाइटिशियन का क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेशनली तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा बाहर, अगर आप चाहें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप की किसी भी कंट्री की बात करते हैं, तो वहाँ तो इनका पेमेंट भी जो है, रेम्यूनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इंडिया को देखते हुए। तो बाहर भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं, और जो हमारा यहाँ जो कोर्स होता है वो आपको थोड़ा सा कोई ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, लेकिन उसको वो वैलिड माना जाता है, और आप बाहर भी इसके थ्रू काम कर सकते हैं।